नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल रहा है और यह धीरे धीरे पूरे देश को खोखला करता जा रहा है। आजकल हर कार्यालय में कुछ न कुछ पदाधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की चपेट में अवश्य रहते हैं और जिस कारण देश की जनता बहुत अधिक प्रभावित होती जा रही है। आजकल हर कोई जान सकते हैं कि हर कार्यालय में किसी न किसी काम को लेकर भ्रष्टाचार होता आ रहा है, चाहे वह काम छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी। हर काम में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार लिप्त होता जा रहा है। शायद कहा नहीं जा सकता कि अब किस कार्यालय में कोई पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो। इस कारण भारत अब भ्रष्टाचार के मामले में एशिया में नंबर 1 पर आ गया है। इसलिए हम सभी भारतीयों को इस पर बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और इसमें कहीं न कहीं हम जनता भी अवश्य दोषी है। इसलिए इस पर हम सभी जनता को ही सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा अजीब बात यह है कि यदि कोई दूसरे कार्यालय के कर्मचारी या पदाधिकारी हैं, उन्हें जब दूसरे कार्यालय में किसी पदाधिकारी या कर्मचारी से काम कराना होता है तो उनसे भी वो लोग पैसे लेते हैं। बड़ा अजीब बात है। यदि किसी शिक्षक को किसी बिजली विभाग से काम है या किसी को प्रखंड अंचल से काम है तो वहाँ भी उस शिक्षक से भी रिश्वत ली जाती है। सबसे बड़ा अजीब बात है। और जब किसी बिजली विभाग के कर्मचारी को भी अगर अंचल कार्यालय से काम है तो वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है। और अंचल कार्यालय के कर्मी को जब बिजली विभाग वाले से काम होता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार। बड़ी अजीब समस्या होती जा रही है। कहा नहीं जा सकता यह समस्या कितनी दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। हम लोग इसमें देख ही रहे हैं कि एक बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हो जाते हैं और वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हर किसी काम में वो पैसे की मांग करते हैं। और जनता भी हम लोग दोषी है कि हम लोग पैसे देते हैं। शिकायत हम लोग नहीं करते हैं, उचित जगह पर उचित मिलजुल कर हम लोगों को शिकायत अवश्य करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यह भारत भ्रष्टाचार में शायद कहीं विश्व में नंबर 1 पर ना आ जाए। एक समय ऐसा था कि भ्रष्टाचार को लोग गलत दृष्टिकोण से देते थे। लोग मेहनत की कमाई खाना पसंद करते थे, पसीना की कमाई खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब तो जो भी हो मतलब 10, 20, 50 रुपये के लिए ना जाने कर्मचारी पदाधिकारी क्या नहीं करते हैं और बोल भी देते हैं, अरे बिना पैसे का कोई काम होता है क्या? बड़ा अजीब समस्या। मैंने भी बहुत कार्यालय का चक्कर लगाया और बहुत जगह भ्रष्टाचार होते हुए देखा और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ 5-6 साल से। और मुझे कहीं कहीं इस कार्यालय में तो इतना तक कहा गया कि क्या आप भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। अजीब बात है। यह मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सभी जनता जागरूक हो जाए, हम यदि सभी उसकी शिकायत उचित स्थान पर करें और जिन्हें शिकायत करें उनसे भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की मांग करें कि मैंने जो शिकायत किया था उस पर क्या कार्रवाई होगी,
तो अवश्य पदाधिकारी पर कोई न कोई दबाव अवश्य बढ़ेगा। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हर काम में, छोटी से छोटी काम हो या बड़ी से बड़ी काम हो, हर काम में भ्रष्टाचार होता है। आप सभी देख रहे हैं बिहार सरकार का नल जल योजना क्या हो रहा है। कहा जा रहा है प्रत्येक घर में बिजली चली गई, प्रत्येक घर में पानी चला गया, गली से गली पक्कीकरण हो रहा है, सड़क बन रहा है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि एक तरफ सड़क इस साल बना तो दूसरे साल फिर नाले का खोद कर नाले का बना रहे, मतलब बना हुआ सड़क को खोदा जा रहा है। कहीं जो है पानी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को एक साल अगर पाइपलाइन बिछा तो दूसरे साल रोड को तोड़ा जा रहा है। मन ना जाने इसमें क्या क्या लोगों को पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, कैसी कैसी समस्याएं झेलना पड़ता। इसलिए हम सभी को भ्रष्टाचार के मामले में अवश्य एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और इसका एक ही इलाज हो सकता है कि यदि सभी जनता जागरूक हो जाए तो निश्चित भारत भ्रष्टाचार मुक्त देशों में से एक होगा। जय हिंद। आप सभी को इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें।